नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम समाज में रह रहे लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं। आज क्या कहना है उनका, बाबा राम रहीम जी को लेकर, डेरा सच्चा सौदा को लेकर। डायरेक्ट करते हैं सीधी बात लोगों से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आपका नाम? मेरा वीरेंद्र सिंह इंसा जी। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ, दिल्ली मेरा गाँव है जी। मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा राम रहीम जी के बारे में क्या विचार है आज के समय में आपके? बाबा जी ने जो शक्ति प्रदान की है, जो समाज में सुधार लाया है हिंदुस्तान में, शायद मैंने नहीं देखा अपनी, मैं 51 साल का मैं हो गया जी। मेरे को भी इतनी शिक्षा दी है, मैं आपको बताऊँ, परसों की बात बता रहा हूँ, 29 अप्रैल की, 29 अगस्त की। एक भाई डॉक्टर हैगड़ेवाल दिल्ली में हॉस्पिटल था, बाहर फोटो भी है मेरे पास, लैटरिन वगैरह में, पजामे में लैटरिन वगैरह थी, पेशाब थी, मतलब हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ था। तो हम किसी को लेके गए थे जी, लेने के बाद जब देखा ना मैंने, तो वहाँ लैटरिन मक्खियाँ वगैरह बहुत लग रही, मेरे अंदर से नहीं रहा गया, क्योंकि कोई पेशेंट और भी था। तो मैं, ये भाई साथ में मेरे दयाराम भाई जी, हम मैंने कपड़े घर से मंगाए, वो सारे कपड़े उतारे और अपने हाथों से नहाया, पेंट वेंट सारे उतार के कपड़े पहना करे, फिर उसे हैगड़ेवार में, मतलब जाकर के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया। ये सतगुरु ने सिखाया हमें मानवता भलाई के लिए। आज डेरा सच्चा सौदा में जो मानवता भलाई सिखाई है ना, मैं कह रहा हूँ आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले समय, डेरा सच्चा सौदा हिंदुस्तान में 99% डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी होंगे जी। मतलब आने वाले समय जो सतगुरु ने जो बक्सा हुआ है ना, मतलब जो सत्संगी भाई वगैरह जो बैठे हुए हैं, मतलब ये जो भी मतलब सेवा करते हैं, आज मैं खुद 2009 से जुड़ा हुआ जी। 2009 से मैं रोड पे था, फर्श पे पड़ा हुआ था, सतगुरु ने अपने सीने से लगाया, साक्षात सीने से, मतलब आप, मैं जानता हूँ सतगुरु की रहमत का, मतलब कैसे, मतलब सतगुरु ने मेरे चरणों से लगाया। कल भी किसी के दाह संस्कार करके आए, ये सतगुरु की रहमत से हुआ, हमारी औकात नहीं है किसी को हॉस्पिटल ले जाके दाह संस्कार करना सारा काम, ये सतगुरु की रहमत का। मैं वो लाखों नहीं करोड़ों अरबों में एक इंसान है मानवता भलाई के लिए हिंदुस्तान में, जो दुनिया के बढ़ गया, हर कंट्री, हर विदेशों में मानवता भलाई में डेरा सच्चा सौदा के, मतलब बाबा राम रहीम का, आज भी लोग दिल से, तहल दिल से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। मेरे पास खुद फ़ोन आते हैं जो बाहर की कंट्रियों में जो सेवा करते हैं, वो कहते हैं भाई जो उन्होंने सिखाया, जो मानवता दिखाई है ना, आज तक किसी हमारे हिंदुस्तान में शायद मानवता के लिए, लोग नाम के लिए तो फोटो जरूर खिंचवा लेते हैं, पर मानवता के लिए झुकने को राजी नहीं होते। बात की जाए डेरा सच्चा सौदा की, डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, तो बाबा राम रहीम जी का वहाँ पर जाने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था? भाई जी, एक पिता अपने बच्चों के लिए इतना प्यार करता है, ऐसे हमारे सतगुरु ने सारी सृष्टि के लिए प्यार के लिए बख्शा था, और आज भी सतगुरु के प्यार रहमतें बरस रही हैं। जो भी विश्वास से, मतलब जो श्रद्धा से कर रहे हैं, पिताजी का मैं सबके सामने गला कटवा दूंगा, हजारों मतलब सत्संगियों को, तो सत्संगियों के अलावा कोई साबित करके दिखा दे पिताजी ने गलत काम किया, सबके सामने अपनी गर्दन उड़वा दूंगा, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं बताइए। ये पिताजी के जज्बा, 2009 से जुड़ा सत्संगी तो बहुत जुड़े हुए हैं, आज मैं अपने करोड़ों के, जब बैसबाजी होती है ना, मैं गला काट के दिखा रहा हूँ, तुम अपना हाथ काट के दिखा दो, मैं सबके सामने, ये सतगुरु ने जज्बा दिया है। तो मानवता भलाई में सतगुरु ने करोड़ों बार कह रहा हूँ, साईं था, साईं है और साईं रहेगा, सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। हिंदुस्तान में आने वाले समय में हम हो ना हो, 99% डेरा सच्चा के सौदे के नामदान देके सतगुरु तारने वाला है।